वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। कंट्रोल सिस्टम की इस सीरीज में आज फिर हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नया टॉपिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SFG। तो SFG को पढ़ने के लिए हमें जो टर्म है, जैसे नोड हो गया, ब्रांच हो गया, ट्रांसमिटेंस हो गया, ये सब पढ़ना जरूरी है। मतलब ये उसकी टर्मिनोलॉजी है, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा क्या चीज़ कहलाता है। तो ये जो हमारा है एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है। सिग्नल फ्लो ग्राफ का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे हम ब्लॉक डायग्राम से दिखाते थे, अब इसमें ब्लॉक डायग्राम नहीं होंगे, ब्लॉक डायग्राम की जगह सिंपल लाइन से उसको दिखा दिया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई ब्लॉक डायग्राम है जिसका फंक्शन है जी, तो अगर हम इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल हम इसको दिखाएंगे और यहाँ पे इसका गेन दिखा देंगे जी, और इसका जो डायरेक्शन है उसको दिखा देंगे। तो हम एक एक करके इसमें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो नोड सबसे पहले आता है। नोड नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो कनेक्ट रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो नोड मतलब इसमें एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो दो, तो एक जो सिग्नल फ्लो डायग्राम है उसमें काफ़ी सारे नोड हो सकते हैं। दूसरा हमारा है ब्रांच। ब्रांच का मतलब है जैसे मान लो कि जो ऐसा ऐसा पार्ट जो दो नोड्स को कनेक्ट करे, दो नोड्स को कनेक्ट करे, उसको बोलते हैं ब्रांच। तो मतलब अगर मान लो कि ये नोड वन हो गया, ये नोड टू हो गया, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं ब्रांच। ये भी एक ब्रांच हो गया, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, तो ये सारे ब्रांच हो गए। तीसरा आता है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस अब मान लो ये ब्रांच है, इसका जो ये फंक्शन है इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेंस। तो ये हो गया ब्रांच, हो गया आपका ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस ये भी ट्रांसमिटेंस है, ये भी ट्रांसमिटेंस है, ये भी ट्रांसमिटेंस है, इसका ट्रांसमिटेंस है क्या है, वन है। नेक्स्ट आता है आपका पाथ। पाथ मतलब क्या होता है, पाथ मतलब इट इज द ट्रांसवर्सल ऑफ कनेक्टेड ब्रांच इन ए डायरेक्शन ऑफ ब्रांच एरो। मतलब कि जो ये जा रहा है ये इस पाथ, पाथ मीन्स क्या होता है हिंदी में बोलते हैं पाथ को रास्ता, मतलब जो सिग्नल को जाने के लिए जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं पाथ। ओके, नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ का मतलब होता है कि जो सिग्नल इनपुट से शुरू हो और आउट पर वो खत्म हो। अगर उसको हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, मतलब इनपुट से आउटपुट तक का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। अगर एक जो ट्रांसफर एक जो सिग्नल फ्लो डायग्राम है उसमें काफी सारे पाथ हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसा कनेक्ट कर दूँ, तो एक यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से डायरेक्ट, तो दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। ओके, लूप। लूप का मतलब ये होता है कि कोई भी सिग्नल जहाँ से शुरू होता है अगर उसी नोड पर वो खत्म होता है तो उसको बोलते हैं लूप। जैसे मान लो कि ये नोड है, यहाँ से कोई सिग्नल स्टार्ट किया चलना, तो ये यहाँ आया, उसके बाद ये लौट के इसी नोड पर चला गया, तो इसको बोलेंगे लूप। अब आता है नेक्स्ट अपना नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग लूप मैंने ये एक्स्ट्रा बना दिया कि एक ही सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर दो लूप ऐसे हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन टचिंग लूप। जैसे मान लो ये लूप है और ये एक ये लूप है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन टचिंग लूप। तो ये टर्मिनोलॉजी है पाथ, फॉरवर्ड पाथ, लूप, नॉन टचिंग लूप। ये टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है और आपका सिग्नल फ्लो डायग्राम का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। ब्लॉक डायग्राम की तरह सिग्नल फ्लो डायग्राम में भी आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन ही निकालना है। जो ब्लॉक डायग्राम है और सिग्नल फ्लो डायग्राम है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और इन दोनों में ही आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन मानसन्स गेन फार्मूला, तो मानसन्स गेन फार्मूला की सहायता से हम जो सिग्नल फ्लो डायग्राम होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मानसन्स गेन फार्मूला होता है ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पी के डेल के, यहाँ पे आ जाएगा हमारा समेशन अपॉन डेल, जहाँ पे पी के क्या होता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ आपको पता है कि क्या होता है, मैंने बताया अभी, और डेल के होता है कि जो फॉरवर्ड पाथ के अलावा जो सिग्नल फ्लो डायग्राम में बचता है। मान लीजिए कि ये आपका सिग्नल फ्लो डायग्राम है, ठीक है,
मान लो ये आपका फॉरवर्ड पाथ हो गया, तो ये जो पार्ट बचेगा इसका गेन जो होता है उसको वन के माइनस में करके लिखते हैं, तो वो होता है आपका डेल के, एंड डेल होता है आपका वन माइनस समेशन ऑफ लूप्स प्लस समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप। ठीक है, तो ये आपका हो गया मानसस गेन फॉर्मूला। तो इसका यूज हमें कैसे करना है, अगर हमें सिग्नल फ्लो डायग्राम दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे उसका ट्रांसफर फंक्शन। तो चलिए देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि समझने के लिए सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये हमारा मान लो कि एक, ये हमारा सिग्नल फ्लो डायग्राम है, इसका गेन वन है, इसका गेन वन है, इसका गेन मान लो जी वन है, ये जी टू है, और ये क्या है वन है, ये आर एस हो सी एस हो गया, ये हो गया आपका आर एस हो गया, ये मान लो हो गया आपका जी थ्री हो गया, और ये हो गया आपका एच वन। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ मतलब पी वन, पी वन कितने हैं, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, P1 निकालेंगे। तो सबसे पहले एक फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट तो ये हो गया, सीधा जा रहा है इनपुट से आउटपुट तक, तो ये वन सबका गुणा कर देना है जितने भी गेन है, वन इंटू वन इंटू जी वन इंटू जी टू इंटू वन बराबर क्या हो जाएगा, जी वन इंटू जी टू। तो पहला फॉरवर्ड पाथ क्या आ गया, जी वन इंटू जी टू। दूसरा फॉरवर्ड पाथ अगर है तो निकालेंगे, दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है, यहाँ से गए फिर यहाँ से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आउटपुट तक पहुँचेंगे, तो वन इंटू जी थ्री इंटू जी टू इंटू वन, तो क्या आ गया जी टू इंटू जी थ्री, ये आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ आ गया। अब यहाँ पे निकालना है आपको डेल वन, डेल वन है क्या कुछ, वन माइनस मान लो कि ये फॉरवर्ड पाथ तो कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो अपन का बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो डेल वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। उसी प्रकार डेल टू अपन निकालेंगे, तो डेल टू कैसे हो निकलेगा, वन माइनस ये फॉरवर्ड पाथ गया, ये भी इससे टच है तो अलग से कोई भी नहीं बच रहा है तो ये भी जीरो है, तो डेल टू बराबर भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। उसके बाद निकालना है हमें डेल, सबसे पहले निकालना है हमें लूप्स, तो लूप्स कितने हैं, लूप्स इसमें कितने दिख रहे हैं कि इनपुट से शुरू होकर सिर्फ आउटपुट तक, आउटपुट भी वही होना चाहिए इनपुट भी वही होना चाहिए, तो ये नोड है यहाँ से ये गए और ये, तो हमारा जो लूप है लूप को हम एल लिख देते हैं, एल वन इज इक्वल टू जी वन इंटू जी टू, जी वन इंटू जी टू, और फिर वहां से गए तो ये आ गया हमारा एच वन, और कोई लूप हमें दिख नहीं रहा है तो हम और नहीं लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप भी नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी के इंटू डेल के अपॉन में डेल होता है, यहाँ पे होता है समेशन। अब इसको हम लिख सकते हैं पी वन इंटू डेल वन प्लस पी टू इंटू डेल टू प्लस डॉट 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 पी के इंटू डेल के अपॉन में डेल होता है। उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या है जी वन इंटू जी टू प्लस जी टू इंटू जी थ्री, क्योंकि इंटू में वन ही होगा तो कोई मतलब नहीं है, अपॉन में वन माइनस जो हमारा लूप आया था वो क्या आया था ये, तो वन माइनस जी टू जी वन इंटू जी टू इंटू एच वन, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो ऐसे हम इस किसी उस ट्रांसफर फंक्शन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, जो हमने पहले अभी सॉल्व कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था, एक ब्लॉक डायग्राम को हमने सॉल्व करके बताया था, तो अब उसी ब्लॉक डायग्राम को हम लोग सिग्नल फ्लो डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको सिग्नल फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो ब्लॉक है उसको सिंपल लाइन से दिखाएंगे और जो ये है उसको सिंपल नोड से दिखाएंगे। तो जो यहाँ मान लीजिए कि ये जीवन है, तो जीवन को एक सिंपल लाइन से दिखा दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने नोड, और फिर जी टू है तो जी टू को सिंपल नोड से दिखा दिया, लाइन से दिखा दिया, और फिर ये है तो इसको सिंपल नोड से दिखा दिया, और ये डायरेक्ट सी एस हो गया हमारा। अब
जो हमारा यहाँ शुरू में एक यहाँ से फॉरवर्ड पाथ डायरेक्ट लास्ट में गया है, तो हम एक फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे बना देंगे सिंपल लाइन, इसको लिख देंगे G3। उसके बाद ये जो यहाँ पे है यहाँ से एक हमारा फीडबैक आया है बीच में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे H1। लेकिन ये यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो एक्चुअली ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा G2 है और यहाँ पे हमारा G1 है। उसके बाद यहाँ से RS है और यहाँ इसके बाद CS है। ये इसका यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो इसलिए इसका गेन हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिग्नल फ्लो डायग्राम की थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम फॉरवर्ड पाथ मतलब P1। तो P1 इसमें क्या है, सबसे पहले P1 फाइंड आउट करेंगे, तो एक तो ये फॉरवर्ड पाथ है तो G1 इंटू G2 इंटू 1, तो G1 इंटू G2 हो जाएगा पहला फॉरवर्ड पाथ। और दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है हमारा, ये यहाँ से गया और यहाँ से गया और यहाँ से, तो G3 हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा G3, है ना, G3 हो जाएगा। उसके बाद हम लूप फाइंड आउट करते हैं, तो लूप क्या है हमारा, सबसे पहले L1 निकालते हैं, तो लूप क्या है हमारा, लूप है एक यहाँ से जाके यही खत्म, यही एक है जो हो रहा है, तो एक हमारा लूप कितना है, एक ही है इसमें, तो ये लूप हो जाएगा हमारा G2 इंटू H1, ये हो जाएगा माइनस में। ओके, तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ, ये लूप हो गया। अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, यहाँ पे Del1 जो होगा वो हो जाएगा 1, यहाँ पे भी Del2 जो होगा वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे Del जब निकालेंगे तो Del मतलब क्या होता है, 1 माइनस लूप मतलब L1, तो 1, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस माइनस G2 H1। ठीक है, तो जब ट्रांसफर फंक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन यहाँ निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, P1 इंटू Del1 प्लस P2 इंटू Del2 अपॉन क्या हो जाएगा Del। तो ट्रांसफर फंक्शन जब यहाँ पे आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा G1 इंटू G2 प्लस G3 अपॉन 1 माइनस क्या होता है, 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा G2 H1। तो आपका वही ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे दो लाइन में आ गया जहाँ आपने दो पेज बर्बाद किए थे। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आपका ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो आपको ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व करना है, अगर आपका सिग्नल फ्लो डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो आपको सिग्नल फ्लो डायग्राम से ही उसको सॉल्व करना है, मनसेंस गेन फार्मूला को लगाकर ही उसको सॉल्व करना है। अगर आप ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन को सिग्नल फ्लो से सॉल्व कर देते हो तो आपका गलत माना जाएगा, भले ही आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा बट आपको गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीज़, है ना। आप जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस मतलब जो हमारे पुराने पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको वहाँ से कंट्रोल सिस्टम के नोट्स मिल जाएंगे। अभी वहाँ पे सिर्फ कंट्रोल सिस्टम के नोट्स हैं, कुछ दिनों में आपको सारे सब्जेक्ट के वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए, आपको ये आपकी स्टडी करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।